देश की एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो हर रोज शिक्षा के क्षेत्र में एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। देश की एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां छात्रों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं दिया जाता है, बल्कि उन्हें पढ़ाई की एक ऐसी उम्दा तकनीक से रूबरू कराकर ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जो छात्रों के भविष्य के लिए बेहद मददगार साबित होती है। दिल्ली से कुछ किलोमीटर की दूरी पर देश की एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां प्लेसमेंट का रिकॉर्ड साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। इस यूनिवर्सिटी में हर बैकग्राउंड के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म कोड की वजह से बच्चों में कोई भी भेदभाव नहीं होता है। शिक्षा की छोटी छोटी दुकानों से अलग एक ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है जो लगातार नए मानदंड खड़े कर रही है, बात चाहे किसी भी स्ट्रीम की हो, इंजीनियरिंग से बी फार्मा तक, एमबीए से बीबीए तक। हर फील्ड में बच्चों को अपने एजुकेशन के नए तरीके से रोजगार के नए अवसर दे रही है। पिछले चार साल इस यूनिवर्सिटी को बने हुए हो गए, ये पांचवा साल है। इससे पहले हम लोग यूपीसी से एफिलिएटेड थे, लेकिन जब लगा हम यूपीसी में रहकर हम एक बाउंड्री में हैं, हम यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से कोर्स करिकुलम नहीं बना सकती है या जो कॉरपोरेट की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से हम बच्चों को तैयार नहीं कर सकते हैं, तब हमने ये निर्णय लिया, चांसलर साहब ने ये निर्णय लिया, कमेटी ने ये निर्णय लिया कि हम लोगों को यूनिवर्सिटी स्टेटस में आना चाहिए। जीएलए हर साल बच्चों को नए एजुकेशन सिस्टम से रूबरू कराती है और अपने यूनिक एजुकेशन सिस्टम की वजह से ही ये यूनिवर्सिटी हर साल अपने छात्र और छात्राओं को एक बेहतर भविष्य दे रही है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी का होने वाला फायदा सबसे बड़ा यही है कि हम लोग डे टू डे एक्टिविटी को एंगेज कर सकते हैं और डे टू डे अपने कोर्स करिकुलम को, अपनी टीचिंग पेडागोजी को, अपने स्टाइल ऑफ वर्किंग को बदल सकते हैं। हमारा प्राइम फोकस जो रहता है किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का हो सकता है होता होगा, लेकिन जीएलए का यह है कि जितने बच्चों को हमने लिया है, एडमिशन लिया है, हम उन सब बच्चों को एलिजिबल मानते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको बताना है यहां पर। हम ऐसा नहीं मानते हैं कि जितने बच्चों को हमने लिया उसमें से 80% एलिजिबल हैं या 70% एलिजिबल हैं। जिसको हमने एडमिशन के टाइम पे लिया है वो एलिजिबल है और उसको प्लेसमेंट के लिए तैयार करना और प्लेसमेंट करवाना यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है। मथुरा और वृंदावन, हरे कृष्णा, दो धार्मिक नगरों के बीच बनी जीएलए यूनिवर्सिटी पहले एक इंस्टीट्यूट हुआ करती थी जहां के पढ़े बच्चे यूपीटीयू में एक के बाद एक सफलता के झंडे गाड़ते जा रहे थे। यूपीटीयू में इसने सबसे अच्छे इंस्टीट्यूटों में अपनी पहचान बनाई। लगातार अच्छा काम करने के बाद जीएलए का मैनेजमेंट बेहद प्रभावित था और वहीं से नींव पड़ी जीएलए को एक इंस्टीट्यूट से यूनिवर्सिटी में तब्दील करने की। जहां पर हम इतनी लगनशीलता से काम करते हैं, चांसलर साहब की गाइडेंस में, ऑनरेबल श्री नारायण दास जी अग्रवाल जी की गाइडेंस में काम करते हैं, वहां पर आज देखिए मथुरा में रहते हुए भी हम लोग आज 8,000 बच्चों के साथ और 100 एकड़ से भी बड़े कैंपस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और वर्ड ऑफ माउथ एक बहुत बड़ी चीज होती है, एडवर्टीजमेंट्स कभी भी किसी को भ्रमित नहीं कर सकते। आज पेरेंट्स भी पढ़े लिखे हैं और बच्चा भी जानता है हर चीज को। एक अकेला वर्ड ऑफ माउथ है जो किसी भी बच्चे को सही संस्थान चुनने के लिए प्रेरित करता है, जीएलए उनमें से एक है। जीएलए यूनिवर्सिटी के बने लगभग 4 साल का वक्त गुजरा है, लेकिन कहीं से भी आपको इस यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि कुछ कमी है। श्री नारायण दास अग्रवाल जी की सोच ने एक बुनियाद को जन्म दिया था और अब जीएलए में 1400 बेहतर प्रोफेशनल्स की टीम है जो दिन रात जीएलए के स्टूडेंट्स को अपने परिवार की तरह ध्यान रखते हैं। स्टूडेंट्स भी अपनी फैकल्टी से मिल रहे इस सहयोग से बेहद संतुष्ट दिखते हैं। फैकल्टी यहाँ की बहुत अच्छी है, वो स्टूडेंट की ओवरऑल डेवलपमेंट पे बहुत फोकस करती है। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जीएलए में जो भी पढ़े वो कुछ ना कुछ गेन करके जाए। मैं जीएलए यूनिवर्सिटी से बीएड कोर्स कर रही हूँ। आप सभी को पता है कि जीएल यूनिवर्सिटी का नाम तो है ही पूरी यूपी, ऑल ओवर इंडिया, तो मुझे लगता है कि बेस्ट यूनिवर्सिटी है और सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं और बच्चे का सारा डेवलपमेंट होता है यहाँ। फैकल्टी है हमारी, जितनी भी फैकल्टीज हैं वो, उनका जो टीचिंग स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा है।
हम लोगों को क्विज भी प्रोवाइड किए जाते हैं, एग्जाम्स भी होते हैं कई तरह के, और हम जिस भी एस्पेक्ट्स में जाना चाहते हैं उस हिसाब की हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। इसकी स्थापना करते हुए श्री नारायण दास अग्रवाल जी की सोच यही थी कि मथुरा और वृंदावन के बीच शिक्षा को लेकर नई सोच शुरू हो और देश के भविष्य जीएलए से निकलकर देश का नाम रोशन करें। हमारा मुकाबला खुद से है, हमारी जो बेंचमार्किंग है वो हम खुद से करते हैं। तो मैं जो आज कर रहा हूँ उससे बेहतर कल क्या करूँ, उससे बेहतर परसों क्या करूँ, ये हमारा बेंचमार्किंग होता है। हम अपने बेंचमार्किंग खुद करते हैं। कोई भी संस्थान चाहे कितना भी बड़ा होने का दावा क्यों न करता हो, उसकी असलियत संस्थान के स्टूडेंट्स अच्छी तरह से जानते हैं। जीएलए के जिस छात्र छात्रा से आप संस्थान और टीचर के बारे में पूछेंगे वो बिल्कुल संतुष्ट नजर आएंगे। अकॉर्डिंग टू मी जीएलए इंडिया में मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट यूनिवर्सिटी है, बिकॉज यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड होती हैं, इतनी फैसिलिटीज शायद ही किसी अदर इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड होती होंगी। आई थिंक दिस इज द बेस्ट अमंग ऑल द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज विच आर अवेलेबल इन इंडिया। पिछले 4-5 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करने वाली जीएलए यूनिवर्सिटी में सिर्फ इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता है कि स्टूडेंट्स पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है या नहीं, बल्कि 100 एकड़ में फैले इस कैंपस में छात्रों के सुख सुविधा का भरपूर ध्यान रखा गया है। अगर किसी छात्र का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो फैकल्टी इसके तह तक जाती है कि आखिर क्यों स्टूडेंट्स पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है। जीएलए यूनिवर्सिटी में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हमने यहाँ पर अभी तक क्वालिटी के फील्ड में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। हमारा कोशिश ये है कि हम अपने बच्चों को सिर्फ किताबी नॉलेज न दें, हम उन्हें एक सफल नागरिक बनाएं और उन्हें जो आगे चैलेंजेस फेस करने हैं, चाहे वो इंडस्ट्री में जाएं, चाहे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में जाएं, उसके लिए हम उन्हें पूरा तैयार कर सकें। अब आइए हम आपको जीएलए के स्टूडेंट्स के सफलता के राज बताते हैं कि आखिर क्यों यहाँ के स्टूडेंट्स अच्छे नंबरों से पास होते हैं और अच्छी जगहों पर नौकरी करते हैं। इसका राज यहाँ के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में छिपा है। यहाँ पे जो हमें नॉलेज प्रोवाइड होती है इज वेरी मच प्रैक्टिकल, मींस इन लैब्स जो हम प्रैक्टिकली सीखते हैं वो हम लाइफ में देख सकते हैं। किसी भी कॉलेज में थ्योरेटिकल नॉलेज के अपार्ट जो मेन फोकस होता है वो प्रैक्टिकल नॉलेज पे होता है, और जीएलए में जो लैब्स हैं और जितना भी प्रैक्टिकल वर्क है उस पर बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया जाता है, बहुत पॉजिटिव है एनवायरनमेंट एकेडमिक्स। यहाँ पे मैंने ये भी देखा है कि यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क भी बहुत ज्यादा होता है बजाय थ्योरी के। थ्योरी ठीक है होती है, बट फोकस यहाँ पे होता है कि तुम्हारा प्रैक्टिकलिटी कितनी आ रही है, तुम्हें स्किल कितनी डेवलप हो रही है, एबिलिटीज कितनी डेवलप हो रही है, ये सब चीजें देखी जाती है। 80 छात्रों से शुरू हुई जीएलए यूनिवर्सिटी में आज स्टूडेंट्स की तादाद 8000 तक पहुंच चुकी है। साल दर साल बढ़ती स्टूडेंट्स की तादाद इस बात को पुख्ता करती है कि जीएलए बच्चों को एक बेहतर कल दे रहा है। इसके साथ ही देश को एक बेहतर भविष्य भी। गत 3 वर्षों में यहाँ पर जितने एडमिशन हुए हैं वो किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में देखने को नहीं मिलते। इससे ये सिद्ध होता है कि विश्वविद्यालय में आसपास के छात्रों में अभिरुचि है, और जहां छात्र पढ़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं वो विश्वविद्यालय सदैव गौरवान्वित रहती है। इस विश्वविद्यालय के अंदर लगातार हमारी जो प्लेसमेंट की संख्या बढ़ रही है। यहाँ छात्रों के लिए कंप्यूटर सेंटर की अलग से व्यवस्था है, जैसे अगर एमबीए का स्टूडेंट्स है और अगर पॉलिटेक्निक का छात्र है, दोनों के लिए अलग अलग कंप्यूटर सेंटर्स की व्यवस्था जीएलए यूनिवर्सिटी ने कर रखी है, और कंप्यूटर की शिक्षा देने के लिए प्रोफेसर भी छात्रों को बाकायदा समझाते नजर भी आते हैं, और बच्चे इस बात से संतुष्ट हैं कि उनको हर तरह की बेहतर सुविधा यहाँ मिल रही है। किया जाता है यहाँ पे बहुत पॉजिटिव है एनवायरनमेंट एकेडमिक्स में। फैकल्टी मेंबर यहाँ के बहुत ही अच्छे हैं, जितनी भी
जितना भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस हिसाब से हमें पर्टिकुलर फैसिलिटीज दी जा रही हैं, लाइक लाइब्रेरीज, होस्टल फैसिलिटीज, फूड फैसिलिटी, इन एवरी एस्पेक्ट वी गॉट वेरी मच गुड फैसिलिटी इन ऑल द फील्ड्स। यूनिवर्सिटी में सबसे आकर्षण का केंद्र है यहाँ की लाइब्रेरी। ऐसा शायद ही कोई संस्थान होगा या यूनिवर्सिटी होगी जहाँ की लाइब्रेरी 24 घंटे खोलती है, यानी जब चाहे छात्र यहाँ आकर पढ़ाई कर सकते हैं और बुक इश्यू करा सकते हैं। लाइब्रेरी को पूरा कंप्यूटराइज किया हुआ है जिससे कि स्टूडेंट्स का टाइम बचे, तो उनको बारकोड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं हम, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने उनको उनकी जिज्ञासा को, उनकी एक्सपेक्टेशन को समझते हुए लाइब्रेरी को सारा कंप्यूटराइज करने के बाद अब हम जो काम कर रहे हैं, लाइब्रेरी की एक वेबसाइट से अपनी वेबसाइट रखती है जिसके थ्रू बच्चे अपना सारा अकाउंट चेक कर सकते हैं, अपनी कोई इन्फॉर्मेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, और वो जो भी उनको थीसिस वगैरह चाहिए, बुक्स चाहिए, वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये लाइब्रेरी पूरी तरह ऑनलाइन है, यानी छात्र ऑनलाइन ये देख सकते हैं कौन सी चीज कहाँ है और कौन सी किताब लाइब्रेरी में है या फिर नहीं है। और अगर इस लाइब्रेरी में छात्रों को स्टडी मटेरियल नहीं मिला तो उसका भी इंतजाम किया गया है। जीएलए यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी 4000 लाइब्रेरियों के साथ जुड़ी हुई है। This is the one of the best libraries I've ever seen in my life. इस लाइब्रेरी में जैसे कि बाकी कॉलेजेस में इतनी टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती, लैपटॉप्स अवेलेबल नहीं है, कंप्यूटर्स अवेलेबल नहीं है और इंटरनेट नहीं होता, और यहाँ पर यू हैव एवरीथिंग, यू हैव ऑल ऑफ द बुक्स यू कैन नेवर इमेजिन, इंटरनेट फैसिलिटी, NPTEL एंड ऑफ कोर्स Wi-Fi, एंड दिस इज 24 आवर्स ओपन 24/7। दैट इज व्हाट मेक्स मी फील दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एवर लाइब्रेरीज। अब आपको लेके चलते हैं जीएलए यूनिवर्सिटी की दूसरी दुनिया में, जहां छात्र पढ़ाई के बाद खुद को तरोताजा करते हैं, यानी आफ्टर फाइव लाइफ। आफ्टर फाइव लाइफ यानी 5 बजे के बाद जब क्लासेस खत्म हो जाती हैं, तो मनोरंजन के लिए यूनिवर्सिटी कंपाउंड में ही आउटडोर गेम्स की भी व्यवस्था है, जिससे वो बेहतर तरीके से पढ़ाई के साथ साथ अपने दिमाग को और चीजों में भी लगा सकें और पढ़ाई का प्रेशर उन पर थोड़ा कम हो। हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, ऑलराउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हम शिक्षा का ये तो एक उद्देश्य जरूर है, लेकिन ये सब कुछ उद्देश्य नहीं है, पूरा उद्देश्य नहीं है कि आप बच्चे को सिर्फ नौकरी दिला दें। तो नौकरी पाना एक उद्देश्य है, उसकी जो एक अच्छा इंसान बन सके, एक अच्छा सिटीजन बन सके, इस जो डेमोक्रेसी है, अगर आप देखें भारत में आज किस चीज की जरूरत है, तो वह है एक सिविक सेंस। तो बच्चा एक अच्छा सिटीजन बन सके, ये उसकी दूसरी जरूरत है। और तीसरी जरूरत है कि उसके अंदर जो लेटेंट टैलेंट है, उसकी जो फैकल्टीज हैं, वो अच्छे तरीके से डेवलप हो सके, उनके लिए एनवायरमेंट मिल सके। तो हमारे यहाँ अगर आप शाम को देखें तो म्यूजिक क्लब है, ड्राइंग क्लब है, आर्ट्स क्लब है, बच्चे फुटबॉल खेलते मिलेंगे, बैडमिंटन खेलते मिलेंगे, कोई योगा कर रहा है तो शाम को म्यूजिक के एक्सपर्ट टीचर आ रहे हैं, हमने बास्केटबॉल के कोच रखे हैं, फुटबॉल के कोच रखे हैं, क्रिकेट के कोच रखे हैं, इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं और ज्यादातर जगह बच्चे खुद ही इन्वॉल्व होते हैं। सौ एकड़ में फैले इस कैंपस में वॉलीबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, ऑडिटोरियम, योगा क्लासेस, फुटबॉल ग्राउंड, सब कुछ है। क्लासेस के बाद और पहले स्टूडेंट्स अपनी इच्छा के मुताबिक गेम के जरिए खुद को तरोताजा करते हैं। तो मुझे लगता है कि बेस्ट यूनिवर्सिटी है। अकॉर्डिंग टू मी जीएलए इंडिया में, मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट यूनिवर्सिटी है। जीएलए इज अ वेरी नाइस यूनिवर्सिटी। ये हमारे इंडिया में बेस्ट यूनिवर्सिटी है और मैं चाहती हूँ कि बच्चे यहाँ आए, अधिक से अधिक आए और अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करें। ये यूनिवर्सिटी लगातार जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, एक बात तो तय है कि आने वाले दिनों में ये नए मानक तो तय करेगी, साथ साथ छात्रों के भविष्य को लेकर जिस तरह से लगातार ये यूनिवर्सिटी काम कर रही है, निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि यहाँ देश का बेहतर भविष्य तैयार हो रहा है। किसी भी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के सफलता का पैमाना जब आंका जाता है तो उसके कितने स्टूडेंट्स कैसी जगह पर काम कर रहे हैं, ये देखना बेहद जरूरी होता है।
इसमें भी मथुरा की जीएलए यूनिवर्सिटी लगातार साल दर साल आगे बढ़ रही है। पिछले 3 साल के आंकड़ों के मुताबिक जीएलए यूनिवर्सिटी ने बेहतर कैंपस प्लेसमेंट के मामले में काफी प्रगति की है। कई विश्व प्रसिद्ध कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट के जरिए जीएलए के प्रतिभाशाली छात्रों का चयन कर रही हैं। इसी से उत्साहित होकर यहां दाखिले के लिए छात्रों की भीड़ उमड़ रही है। इस साल हमने मैनेजमेंट में, फार्मेसी में, एमसीए में करीब करीब 90% से ऊपर प्लेसमेंट कराया है। 2014 में जहां जीएलए यूनिवर्सिटी का कुल प्लेसमेंट 63.1% था, वहीं 2015 में ये बढ़कर 80.8% हो गया। 2014 में सीएस के लिए प्लेसमेंट 68.8% था, जो 2015 में बढ़कर 86.92% हो गया। 2014 में ENEEE में प्लेसमेंट 55.8% था, जो 2015 में बढ़कर 82% हो गया। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में प्लेसमेंट 57.3% था और 2015 में ये फीसद बढ़कर 81 हो गया। यही आंकड़ा है। प्लेसमेंट के आंकड़ों पर जीएलए के ट्रेजरर नीरज अग्रवाल बताते हैं कि उनके यहाँ हर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आते हैं और सबका सपना होता है कि उन्हें अच्छी से अच्छी नौकरी मिले। ऐसा ही एक किस्सा बातों बातों में नीरज अग्रवाल की जुबान पर आ जाता है। मैं आगरा ऑफिस में बैठा हुआ था, एक महिला आई और उसने मुझसे, दिवाकर जी से पूछा कि प्लेसमेंट के कारण में यहां पर, वो गांव की भाषा में बात कर रही थी महिला, उसको कुछ नहीं मालूम था बीटेक क्या चीज होती है, उसको अपने पोते को पढ़ाना था। मैं भी बैठा हुआ था बाई चांस वहां पर, उसने सिर्फ एक बात कही पैसे निकालते हुए अपने पॉकेट से कि यहां पर मैं जो प्लेसमेंट, जो मैं एडमिशन करा रही हूं, उसका एक ही कारण है कि मेरे बच्चे का भविष्य सिक्योर्ड है, मुझे मालूम है यहां से उसको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 2014 में यह फीसदी 55.3 था और 2015 में बढ़कर 68.65% हो गया। सिविल इंजीनियरिंग में 2014 में प्लेसमेंट का प्रतिशत मात्र 27.8% था और ये अगले साल बढ़कर 75% हो गया। जीएलए की शिक्षा पद्धति से प्रभावित होकर कंपनियां कैसे जीएलए में प्लेसमेंट के लिए उत्साहित हैं, इसका उदाहरण इस बात से लिया जा सकता है कि 2013 में 90 कंपनियों ने जीएलए के छात्रों को हायर किया था। 2014 में हायर करने वाली कंपनियों की संख्या 140 हुई और 2015 में जीएलए के छात्रों को नौकरी देने वाली कंपनियों की संख्या 170 हो गई। हमारा जो विजन है वो ये है कि आने वाले 5 साल में हम एनआईटीज की श्रेणी में पहुंच जाएं और आने वाले 10 सालों में हम आईआईटीज के मुकाबले कर पाए, अगर आप बाहर की संस्थाओं की बात करते हैं, वरना हमारा मुकाबला खुद से है। अभी जीएलए यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटेक्निक, इन सभी संस्थानों में करीब 8000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं और ऐसे में किसी भी छात्र के लिए यहाँ पर दिक्कत नहीं हो, खासकर बाहर से आने वाले छात्रों के लिए छात्रावास की व्यवस्था भी है। इसके लिए छात्रों और छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था कंपाउंड में ही की गई है, जिससे उन्हें सुविधा हो। जीएलए यूनिवर्सिटी के चेयरमैन नारायण दास अग्रवाल इस उपलब्धि का श्रेय सभी फैकल्टी मेंबर और स्टाफ को देते हैं, क्योंकि उन्हीं की बेहतरीन शिक्षण पद्धति, प्लेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रयोगशालाओं और परिसर की उपलब्धता की वजह से जीएलए के छात्रों में उच्च शिक्षा का सपना पूरा हो रहा है।